नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप। मैं रवि कुमार, सब देखकर मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। धन्यवाद गाइस, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जो हमारे मेडिकल भैया हैं, मेडिकल जो शॉप खोले हुए हैं या फिर मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, आज हम लोग शुगर की दवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ग्लेमिपेराइड टेबलेट के बारे में बात करेंगे कि जो GP2 टेबलेट होती है, GP2 GP2 1 होती है, उस टेबलेट क्या होती है, उसका मतलब हम लोग जानेंगे उसके आज अच्छे अच्छे डिटेल्स में। सो गैस, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए गैस, शुरू करते हैं। गैस, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है किसी पेशेंट के लिए कि आपको ग्लेमिपेराइड टेबलेट लेनी है, तो MG भी लिखा रहेगा कितनी MG लेनी है। तो ये देख लीजिए गैस कि ग्लेमिपेराइड इसमें रहता है 2 MG, इसलिए GP2 है। ठीक, इसी में ग्लेमिपेराइड 1 MG है, इसका मतलब GP 1 MG। तो डॉक्टर द्वारा जो लिखा जाता है आप उसको देना है आपको। और BP और शुगर की मैं दवाई आपको पहले भी बोल रहा हूँ गैस कि BP शुगर एंड जैसे कि टिप्टोमर 25 या फिर क्लोनाफिट है, या ऐसी जो भी दवाई हैं जो दिमाग से संबंधित है, उसको आप ऐसे ही नहीं दे सकते हैं किसी को डॉक्टर के लिखा ही द्वारा। स्टालोपम प्लस कोई भी, मतलब है ना, आप समझ रहे हैं ना, स्टालोपम प्लस लाइट, ये सब दवाई ऐसी है जो डॉक्टर की सलाह द्वारा ही दी जाती है। आप अलग से बेच देंगे, किसी को परेशानी हो जाएगी तो आपको बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं, मेडिकल शॉप खोले हुए हैं तो। इसलिए गाइस, जो नॉर्मल दवाई है उसको आप बेच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाई होती हैं जिनको आप ऐसे ही नहीं बेच सकते हैं, बिना डॉक्टर के लिखे हुए नहीं बेच सकते हैं। कोई क्लेम कर दे, किसी को कोई परेशानी हो जाए, तो आपके डॉक्टर या फिर आपका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। चलिए गाइस, ऐसे मेडिकल से मोर रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ग्लेमिपेराइड टेबलेट है ये प्लेन में, और बाकी मैं आपको आगे शुगर की दवाइयों के बारे में बताता रहूंगा। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।